नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश की जनता अपने मकानों, दुकानों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी के पर्व की खुशी मना रहे हैं। लेकिन सीएम सिटी करनाल लगातार विवादों की सुर्खियां बनता जा रहा है। यदि सीएम सिटी का ही यही हाल है तो बाकी के हरियाणा का मालिक भगवान ही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत उनके मंत्री 15 अगस्त को प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। एक तो करनाल में शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा उखड़ने का मामला ठहरने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी ओर अब करनाल के प्रसिद्ध घंटाघर चौक पर स्थापित रुकी हुई घड़ी और घड़ी के नीचे बनाए गए तिरंगे के रंग विवाद का कारण बनते जा रहे हैं। यह एक ऐसा चौक है जहां से रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं। हजारों लोगों की नजर इस घड़ी पर जब पड़ती है तो गुजरने वाले लोग थोड़ा ठहर से जाते हैं, क्योंकि लोगों की कलाई पर भंदी घड़ी जब शाम का समय बताती है तो घड़ी पर 12:30 बजे होते हैं। सुबह हो या दोपहर या हो फिर रात, इस चौक पर टंगी हुई घड़ी की सुइयां टस से मस होने का नाम नहीं लेती। लेकिन अब चूंकि 15 अगस्त है, एक गलती तो पकड़ी गई लेकिन साथ ही साथ दूसरी गलती भी सामने आ गई, और यह गलती माफ करने योग्य नहीं है, क्योंकि यहां तिरंगे के रंगों के साथ छेड़खानी की गई है। यह छेड़खानी किसी और ने नहीं बल्कि विभागीय कर्मचारियों ने की है। अब आप ही फैसला करें कि इस गलती की सजा क्या होनी चाहिए। अब इस गलती को समझने के लिए देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो हमारी स्वतंत्रता और हमारे स्वाभिमान के झंडे से जुड़ी है। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। करनाल का मशहूर घंटाघर चौक है, यानी कि यहाँ काफ़ी साल पहले एक चौक बनाया गया था जिसे घंटाघर चौक का नाम दिया गया, और इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर जो घड़ी लगी हुई है वो 24 घंटे चलती है। लेकिन आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये घड़ी रुकी हुई है और शाम के 6:24 हुए हैं मेरी घड़ी के अंदर, और यहाँ 12:20 दिखाए जा रहे हैं, यानी कि घड़ी बंद है। और अब उसके नीचे आ जाइए आप, ये देख लीजिए, पहले केसरिया रंग और फिर वाइट कलर का रंग और नीचे हरा, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक। यह हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें एक सफ़ेद पर्दा भी लगा हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। ये राष्ट्रीय ध्वज की जो प्लेट जो लगाई गई है ऊपर केसरिया रंग की, ये कुछ समय पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी। बताया आसपास के दुकानदार हालांकि इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस पर कमी निकालेंगे तो यह प्रशासन की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। आप ध्यान से देख लीजिए, अब वो अगर बोलते हैं तो हो सकता है उनकी दुकान पर कोई आफत ना आ जाए। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार नीचे कैमरा करके आसपास का ज़रा जगह दिखा दीजिए। देख लीजिए आप कितने दुकानें हैं और कितने वाहन जा रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। और अब सबसे बड़ी आपको मैं बात भी बता देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के में जो तीन जो ये जो रंग दर्शाए गए हैं इनका असली प्रतीक क्या है, आप ये भी देख लीजिए। ये करनाल की एक शान भी है और पहचान भी है। बीच में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, और इसे करनाल को वैसे राजा करण की नगरी भी कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि सबसे ऊपर केसरिया रंग, आप दूसरी तरफ देख लीजिए, दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है लेकिन उसे भी साफ नहीं किया गया, उस पर नीचे हरे रंग पर निशान नजर आ रहे हैं। पहले मैं आपको रंगों के बारे में बता देता हूँ। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है और केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। उससे नीचे आता है सफ़ेद रंग, और सफ़ेद रंग के नीचे होता है हरा रंग। सफ़ेद रंग का मतलब होता है कि ये शांति और सत्य का संकेत होता है, जबकि जो हरा रंग बीच में नीचे सबसे नीचे लगाया गया है वह देश के विकास और यानी कि शुभ और उर्वरता को दर्शाता है। और अशोक
अशोक चक्र यानी कि स्तंभ जो चक्र से लिया गया है, इसकी जो सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई लगभग बराबर होती है, इसमें 24 सीलियां होती हैं। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अब आप इसको देख लीजिए। अब हम आपको करण घंटाघर चौक की ये तीनों साइड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस साइड भी देख लीजिए, ऊपर करके यहाँ भी देखो आप। सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है कि जहाँ केसरिया रंग होना चाहिए वहाँ वो जो जगह क्षतिग्रस्त हुई है, और वहाँ भी इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सफ़ेद चादर के जरिए ढकने का काम किया है। यानी कि 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को जहाँ हमारे राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह अनाज मंडी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज अपना फहराएंगे, अब उसको इस कमी को ढकने का प्रयास किया गया। यानी कि बजाय इसको ठीक करने के इसको ढकने का काम किया गया। अब इसे क्या कहिएगा आप? अब आप सोचिए, जब करनाल का प्रशासन ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक के रूप में केसरिया सफ़ेद रंग और हरे रंग को सही सम्मान से स्थापित नहीं कर पाता, तो आप सोचिए कि लोगों के दिलों में इस बाबत जो है क्या सोचोगी। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान है, और ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी का मतलब हमारा संघर्ष से था, और यह संघर्ष कोई अकेले व्यक्ति ने नहीं किया, हमने नहीं किया, आपने किया। हमारे जो पूर्वज थे 1947 से पहले, अब बड़े बड़े शहीदों के नाम ले लीजिए, भगत सिंह जी हैं, आज़ाद जी हैं, चंद्रशेखर जी, और ख़ास तौर पर शहीद मदन लाल ढिंगड़ा जी, जिनकी प्रतिमा पर वैसे ही आजकल उखाड़े जाने को लेकर करनाल में विवाद चला हुआ है। इतने लोगों ने शहादत दी तब कहीं जाकर हमारा देश आज़ादी की सांस ले पाया। तो आप ये देखिए, अब इसे क्या कहेंगे आप? आप इस खबर को अगर देख रहे हैं ना, तो इस पर कॉमेंट जरूर करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि प्रशासन को पता लगाना चाहिए कि आपने स्वतंत्रता वाले दिन, कि कल सुबह स्वतंत्रता दिवस है, और इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अब प्रशासन की गलती साफ नज़र आ रही है। क्या अगर वैसे तो हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज से कोई अगर छेड़छाड़ करता है तो उस पर भी कड़े नियम लागू होते हैं और वो सजा का हकदार होता है। लेकिन अब इन जो प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने जो गलती की है, वो सजा अब उसे कौन देगा? अब ये इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, हालांकि इसे दुरुस्त कर ज़्यादा मतलब खर्चे का काम नहीं था, इसे दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन क्यों चादर ढके गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ केसरिया रंग के ऊपर सफ़ेद चादर का क्या मतलब है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये साफ साफ जाहिर है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय ध्वज की जो क्या बोलते हैं ताकत का या अंदाज़ा नहीं है, या वो इसका झंडे का राष्ट्रीय ध्वज के जो रंग हैं तीन, केसरिया सफ़ेद और हरा, या तो वो उसका सम्मान करना नहीं चाहते, या ये सोच लीजिए कि उनके पास समय नहीं है। आप इतनी बड़ी ब्लंडर अगर मिस्टेक यहाँ करेंगे इस घंटाघर चौक पर, तो क्या जनता के अंदर मैसेज जाएगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। कैमरामैन सन्नी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, घंटाघर चौक, करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.